इजी को नहलाएंगे भी हम। रूम सर्विस। धूप आ रही है बट काफी हवा चल रही है। बनाओ फिर खिलाओ मुझे भी। अनपकावा कॉकटेल बाटी है तो कुछ वेस्टर्न ही पहनती हूँ। अगर मैंने पहले नहीं बताया तो हम लोग क्वाड सेट में जा रहे हैं। यार बच्चे मेरे व्लॉग में तूने पूरा आउटफिट नहीं दिखाया। खुद की आंखें दिखाओ पहले। मेरी आंखें, मेरी आंखें देखो। कोई नहीं है, अभी बज रहे अराउंड 1 बज रहे होंगे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज कर रही हूँ मैं व्लॉग बिकॉज आज मेरा ऑफ है, तो मैंने सोचा एक व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ और आप लोगों को अपना पूरा दिन मैं कैसे स्पेंड करती हूँ वो आप लोगों को दिखाती हूँ। और आज मेरे हस्बैंड ने भी ऑफ ले रखा है, तो हम दोनों आज और कल तो हम साथ में टाइम स्पेंड करने वाले हैं। तो मैंने सोचा आज एक अच्छा सा व्लॉग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं मॉर्निंग में स्टार्ट कर रही हूँ, चाय भी चढ़ा दी है मैंने और मैं बना रही हूँ पनीर सैंडविच। ऑलरेडी रेडी हो चुका है क्योंकि मैं बस पनीर पड़ा हुआ था, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। सो वो हम लोग खाएंगे एंड चाय इन्जॉय करेंगे। उसके बाद का फर्दर प्लान कुछ भी हमें पता नहीं है और हम आराम से उठें 9 बजे और बस अब आराम से ब्रेकफास्ट करेंगे, चाय पियेंगे और फिर देखते हैं क्या करना है आज। बाय द वे डेजी को नहलाएंगे भी हम और बाकी का छोटा मोटा घर का काम है वो करेंगे और फिर दिन को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और पहले आप देख लो सैंडविच। पनीर सैंडविच और चाय बनाई है मैंने। सो चलते हैं और इसको फटाफट से गप करते हैं। लेट्स गो। मैं आ गई हूँ डिजी की वॉक कराने के लिए एंड सुबह सुबह बहुत धूप आ रही है बट काफी हवा चल रही है एंड डेजी इज इन्जॉइंग सो मच। मस्त डेजी वॉक करती है आराम से। मैं इसको 5 to 6 राउंड्स कटवा लेती हूँ तो ये फ्रेश भी हो जाती है और सब कर लेती है, काफ़ी इन्जॉय करती है करते टाइम। सो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं आ गई हूँ डेजी की वॉक करवा के और अब मैं इनसे पूछ रही हूँ कि लंच में क्या खाना है। तो ये क्या बोल रहा है, क्या खाना है? मेरे को आलू के पराठे। इधर कैमरा में आलू के पराठे, इनकी फरमाइश है आलू के पराठे। तो मैंने कहा बनाओ फिर खिलाओ मुझे भी। आलू पड़े थे इसलिए नहीं, आपकी फरमाइश थी इसलिए आपको खाने। आजकल फरमाइश आ रही है आलू के पराठे बना दो, मतलब क्या बोलो बोलो। पसंद है यार मेरे को आलू के पराठे। सुबह सुबह मस्त पनीर सैंडविच खाया, जो भी इनको पसंद है, आलू के पराठे भी इनको पसंद, सब इनके पसंद की चीज खाए हम। ऐसा खुद की भी पसंद की चीज है सैंडविच। हाँ thank you।
जैसे कि आपने देखा मैं आलू का मसाला बना रही हूँ, तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, मतलब मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताई है। इसको आप पराठे में भी यूज़ कर सकते हो और सैंडविच में भी यूज़ कर सकते हो, तो मल्टीपर्पज़ है। तो एक्स्ट्रा बना के रख लो तो आराम से उसको रोटी के साथ भी खा सकते हो, सैंडविच में स्टफिंग डाल के भी खा सकते हो, आलू के पराठे भी बना सकते हो, तो मल्टीपर्पज़ है। तो ये मैं इसी टाइप से मसाला बनाती हूँ। सो आप लोग भी ट्राई करना, अगर पसंद आए तो कॉमेंट करके ज़रूर बताना। फ्रेश लग रहा है ना। अब मैं बनाऊंगी आलू के पराठे और फिर हम लंच करेंगे और फिर यार थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। पराठे बन रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? खाने के बाद पता चलेगा। आपने ऑलमोस्ट खाया है, एक दो बाइट खाई है तो थोड़ा सा क्या कहते हैं इसको, अनपका हुआ खाने। एक फर्स्ट वाला पराठा तो हमारा पूरा टूट गया था, जो पूरा मतलब उन्होंने खाया है। अब हमारा लास्ट पराठा बन रहा है। इतने सारे परौंठे तो हमने बना दिए हैं। डन विद आवर लंच। हमने मस्त आलू के पराठे, चाय और सारी पापड़ और सारी चीज़ें इंजॉय करके हम लोगों ने खा ली। अच्छे से पेट भर चुका है। अब हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर शाम को हमें एक फंक्शन में जाना है, शायद हम वहाँ जाएंगे। बट थोड़ा सा रेस्ट करके उठने के बाद शायद हम वीडियो शूट करेंगे कोई हमारे चैनल के लिए, कोई कपल रिलेटेड वीडियो। तो अब भी हम करते हैं रेस्ट और मैं फिर आप लोगों से मिलती हूँ। जस्ट उठी हूँ मैं सोच रही हूँ कि अब मैं रेडी हो जाती हूँ क्योंकि 6 बज रहे हैं, तो 7 बजे अराउंड हम निकलेंगे। हमें एक फंक्शन में जाना है, कॉकटेल पार्टी है तो वहाँ जाना है। सो वहाँ के लिए अब मैं रेडी होती हूँ। सोच रही हूँ क्या पहनूँ, कॉकटेल पार्टी है तो कुछ वेस्टर्न ही पहनती हूँ, अदरवाइज मैं पहले सूट पहनने का सोच रही थी। बट लेट्स वियर समथिंग वेस्टर्न, लेट्स सी क्या पहनते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शन हैं। ये सारे जो क्लोथ्स हैं वो मेरे वेस्टर्न्स हैं, मतलब जो आराम से आप उसको शॉर्ट क्लोथ्स, वन पीस बोल सकते हो।
अब मैं क्या पहनूं नहीं समझ में आ रहा. लेट्स सी व्हाट टू वेयर. सो आई एम फुल्ली रेडी. बहुत टाइम लगा है तैयार होने में, मेरे को एक घंटा लग गया है. और मैंने पहना है ज़ारा का क्वाड सेट. ये मेरी फर्स्ट ज़ारा की परचेज है. सो मेरी आज मुहूर्त आया है इसका पहनने के लिए. और मैंने बस गोल्ड ज्वेलरी पहनी है, गोल्ड वॉच पहनी है, गोल्ड इयररिंग्स पहने हैं और बहुत ही न्यूड मेकअप किया है. बस आईलाइनर ऐड किया है और न्यूड सारा सब कुछ ऐड किया है और बहुत ही प्यारा सा क्वाड सेट पहना है. अगर मैंने पहले नहीं बताया तो हम लोग जा रहे हैं कॉकटेल पार्टी में. हमें 9 बजे का टाइमिंग था तो वैसे हम पहुँचते 9 बजी जाएगी. सो चलते हैं अब. और पहले मैं आपको अपना आउटफिट दिखा देती हूँ. सो दिस इज माई आउटफिट. हेयर्स तो मैं वहाँ जाके खोलने वाली हूँ, पर अभी मैंने थोड़े टाई करके रख दिए हैं. एंड ये बहुत ही सुंदर सा शर्ट है. इसका कपड़ा बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, इसमें कलर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं. और मैंने प्यारी सी हील्स पहन ली है नीचे और ये बहुत ही सुंदर इसके साथ पैंट्स बहुत ही अच्छा लग रहा है. सो अब चलते हैं. सो लेट्स गो. हेलो टू माई ब्लॉग. जस्ट कूलर के सामने क्यों बैठे हो? अच्छा, बहुत जल्दी पहुंच चुके हैं. अभी तक कोई भी नहीं आया. मैं वैसे 9 बजे का टाइम दिया था बट मुझे लग ही रहा था कि 10 बजे तक ही अराउंड स्टार्ट हो रखोगा. सो या वी आर वेटिंग. पर लाइटनिंग काफ़ी अच्छी लग रही है, गोल्डन गोल्डन लाइट्स लगा रखी है. एंड यार बच्चे मेरे व्लॉग में तूने पूरा आउटफिट नहीं दिखाया व्लॉग में. दिखाना मेरा मेकअप डार्क लग रहा है क्या? डन विद द फंक्शन. इतना मजा आया. और अभी 12 बज रहे हैं और हम 1 बजे तक 1 बज जाएगी हमें घर पहुंचते.
सो अब मैं थोड़ी देर में व्लॉग एंड करूँगी घर पहुँच के. सो या हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा डांस किया, ड्रिंक किया एंड बहुत अच्छा अच्छा खाया. सो अब चलते हैं घर, लेट्स गो. बेबी कुछ बोलना है? लेट्स गो घर. लेट्स गो घर, व्हाट डू यू मीन बाय घर? सो चलो चलते हैं और मैं आप जो बचा हुआ व्लॉग है वो मैं घर जाके एंड करती हूँ. पता नहीं मैं व्लॉग में क्या बोल रही हूँ, पता नहीं मुझे चढ़ गई है क्या हो गया है, बट लेट्स सी घर जाके मिलते हैं. हवा के साथ साथ घटा के संग संग. सो हम आ गए हैं डेजी की वॉक कराने के लिए. फुल मेकअप वेकअप रिमूव कर लिया है, कपड़े चेंज कर लिए हैं. अब बारी है डेजी की वॉक की. हम लोग कितना भी लेट हो जाए ना, डेजी की वॉक तो करानी ही पड़ती है, वो मैंडेटरी है, वो आप नहीं छोड़ सकते. सो वो हम कराने के लिए दोनों आ गए हैं. वी बोथ आर हियर एंड कोई नहीं है. अभी बज रहे हैं अराउंड 1 बज रहे होंगे और अभी डेजी की वॉक करके हम ऊपर जाएंगे. मस्त अब नींद आने वाली है हम लोगों को और या ऊपर जाके फिर मैं व्लॉग एंड करती हूँ. अब भी मैं दिखाती हूँ डेजी को कितनी खुश हो जाती है ये हम दोनों को देखते ही. दिखाती हूँ मैं. हाय डेजी, हाय डेजी, हेलो. चलो चलो चलो. सो गुड मॉर्निंग यू ऑल. सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे. कल मैं ब्लॉग एंड करने का सोच रही थी बट इतना लेट आए और फिर सब चीज़ों में मैं भूल ही गई. घर आने के बाद तो कल हम नाती डेजी को वॉक पे लेके गए हम, क्योंकि हम कितना भी लेट आए इस महारानी को तो वॉक करवानी ही पड़ती है. तो हम दोनों ही वॉक कराने गए थे अराउंड 1:30. फिर बेड पे सोते सोते हमें बेड पे आए और हमें 2 बज गई थी और सोते सोते तो पता नहीं कितनी बज गई थी, कुछ ध्यान ही नहीं है क्योंकि एक तो हैंगओवर नहीं उतर रहा था ऊपर से और हैंगओवर तो चढ़ गया था दिमाग में, तो सर भारी भारी हो रहा था. बट काफ़ी ज़रा मज़ा आया, खाना काफ़ी टेस्टी था, ड्रिंक्स काफ़ी अच्छी थी, मॉकटेल्स कॉकटेल्स सब बहुत अच्छी थी, परफॉर्मेंस जो भी थी वो भी सारी बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया हम लोगों को. बहुत लेट हो गया था बट काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि गर्मियों में जो रात को जो ठंडक होती है वो परेशान नहीं करती, पूरे दिन में आप परेशान हो जाते हो बट रात को कल इतना ठंडा था तो वहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ और हम दिन में आराम से हमने रेस्ट कर लिया था. हमें पता था कि हमें रात को जाना है तो मेरा हमने आराम से रेस्ट कर लिया और बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया. सो या यही था इस व्लॉग के लिए. आज मैं शायद न्यू व्लॉग स्टार्ट करूँगी इसको वीडियो को एंड करने के बाद. सो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि अपकमिंग वीडियोस आपको सारी दिख जाएगी. अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लो. मैं मिलती हूँ आप लोगों से मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय यू ऑल गाइज, लव यू.